नंदिनी कहाँ थी तुम? गुस्सा उतरा नहीं अभी तक? बड़े बाबा कब से पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में? मैं कंदिल लेने गई थी। लेकिन कंदिल लगाएगी कहाँ? कमरा तो खाली करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी। हर दिवाली को मैं अपने कमरे को इतने प्यार से सजाती हूँ, और आखिर में कोई अजनबी आकर उसमें रहे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। मगर आप सब मेरे कमरे के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि साहबजादी, हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा आपको दिया गया है। लेकिन घबराना मत, कमरा खाली करने में हम सब आपकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे ना? और आपके कमरे में है ही क्या? आपकी पसंद के एक दर्जन पीले फूल, और फिर वो आप ही की पसंद का एक दियो वाला झूमर, और आपकी एक छोटी सी प्यारी सी डायरी। देखो, तुम लोग सब मुझे ज्यादा चिढ़ाओगे ना, तो मैं ही रंगोली बिखेर दूंगी। बेटा नंदिनी कहाँ थी तुम? तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मैं किसी भी महफिल में जाता नहीं, तुम जानती हो ना? जवाब दो। अच्छा अच्छा, तो तुम स्टैच्यू हो, लेकिन आंखों से तो बोल सकती हो। अच्छा, वो कमरा खाली किया? अभी तक गुस्सा उतरा नहीं है। देखो बेटे, वो आने वाला हमारा मेहमान है, और मेहमान भगवान समान होता है। मेरे आने से पहले वो कमरा खाली होना चाहिए, समझ गई? कंदिल बड़ा अच्छा लाई हो, चलो मेरा। आने दो सिकली वाले को, ऐसी फिटली कसूंगी कि दो दिन में वापस जाएगा। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं दीदी, अब भी दिखा दो। हाँ, इटली वाला गया। हाय, डैंचू, ओह, I mean कैंचू, ओ सालूचू, ओ, I think अब सेठचू। मेरा नाम समीर है, आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। आपका क्या नाम है? नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू? सिर्फ नंदिनी। ओ आई सी, आपका नाम बड़ा हटके है। डज इट मीन नंदी द बेल? जरूरी नहीं कि हर नाम का कोई मायना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं। पहले आप नजर हटाइए। मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। मुझे क्या पड़ी है? हाथ जल जाएगा। देखा, नजर लग गई ना? आप ही की लगी होगी, मेरी नजर वैसी नहीं है। फिर कैसी है आपकी नजर? तेज, आपकी रूह तक झांक सकती है। अच्छा, तो फिर क्या देखा? निम्बुड़ा, खट्टा निम्बुड़ा। खट्टा नींबू, सो स्वीट। देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी। छूटने दो। झूमर गिर जाएगा। गिरने दो। शीशे टूट जाएंगे। टूट जाने दो। और अगर शीशे टूटे तो पलके चपक जाएंगे। देखते हैं किसकी पलके पहले चपकती है। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रहीं, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। सुनो, हो गया ना? हेलो। हेलो, क्या हालत बना रखी है कमरे की? सब कुछ उलट पुलट। परेशान कर रखा है लड़के ने। हे भगवान, ये लड़का कब वापस जाएगा? ओह मैन, इट्स सो हॉट हियर इन इंडिया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, इडियट। अब ये कमरा मेरा है, और मैं इस कमरे में नंग धड़ंग घूम सकता हूँ जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी डायरी लेने आई थी, तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो। नंगा हूँ, डायरी। इटली वाले भगवान करे तू मेरे कमरे तक पहुंचे से पहले रेगिस्तान में घूम जाए। बाप, तुझे पीने तक का पानी नहीं है। खबरदार, मेरी डायरी पढ़ी तो मरम्मत करे। समीर, स्टॉप इट। बदतमीज, किसकी डायरी पढ़ते हो? और क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कमरा पहले से ज्यादा जीता जागता लगता है? मिस परफेक्ट। नंदिनी बेन, मेहमान जी को दरबार साहब ने बुलाया है। दरबार साहब ने बुलाया? जाइए जाइए, जल्दी जाइए ना।